नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी जस्ट टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का ये प्रोग्राम। स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। रूस ने यूक्रेनी अनाज के काले सागर में सुरक्षित निर्यात की जो मंजूरी दी थी, मंजूरी देने वाले काला सागर कहीं अनाज समझौते से खुद को अलग कर लिया है और इससे अनाज की कीमतों में होने वाली जब हम बढ़ोतरी की बात करते हैं तो संभावित तौर पर ये कहीं ना कहीं लाखों लोगों के लिए एक भुखमरी का संकट या इससे भी बदतर स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि इससे दुनिया में एक विनाशकारी जो कहें प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या ये रूस की कोई हंगर गेम चल रही है जो कि दुनिया को एक नए संकट में धकेल सकती है, क्या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक रशिया की ओर से, पुतिन की ओर से जो है वो चलाया गया है, इसी को समझने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ आज फॉरेन इश्यूज के एक्सपर्ट डॉक्टर भ्रमदीप अलूने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मेरे साथ सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। तो इस चर्चा की शुरुआत, स्ट्रेट टॉक की जो शुरुआत है वो मैं डॉक्टर भ्रमदीप अलूने जी से करूंगी। भ्रमदीप जी, रूस ने क्यों खत्म किया काला सागर अनाज समझौता? रूस ने क्यों कहा कि वो समझौते से बाहर हो रहा है? जो युद्ध का इतिहास रहा है उसमें रसद काट कर किसी दुश्मन को दबाव में ला देने की जो नीति है वो बहुत पुरानी है। वो चाहे भारत में जब जो आक्रमण हुए थे उस दौर में भी ये हुआ, भारतीय जो राजपूत राजा है उन्होंने भी ये किया। तो कुल मिलाकर रसद काटने की जो नीति वो बहुत पुरानी है। लेकिन अब इस दौर में ये बहुत बड़ा संकट है और ये इतना बड़ा संकट है कि जब कोरोना काल के बाद कुछ रिपोर्ट पे आया कि तकरीबन 26 करोड़ लोग जो है दुनिया में वो भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में 2 जून की रोटी करोड़ों लोगों को मिलना मुश्किल होती है और बड़ी मुश्किल से जो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग है उन्हें हर शाम को जो भोजन मिलता है वो बड़ी दुविधा में मिलता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर रूस पर जो प्रतिबंध लादे गए हैं दुनिया में और रूस उनका सामना करने के लिए चीन की मदद ले रहा है, उनका सामना करने के लिए ईरान की मदद ले रहा है, उत्तर कोरिया की मदद ले रहा है, लेकिन वो जो मदद है वो रूस के डेवलपमेंट को रोक रही है, मतलब वो काफी नहीं है। और वो चाहता है कि दुनिया ने जो उस पर खासकर बैंकिंग के तौर पर प्रतिबंध लगा रखे या जो अन्य प्रतिबंध लगा रखे उससे मुक्त करे। तो कुल मिलाकर रूस ने भोजन को एक हथियार बनाया है और इस दौर में, आधुनिक दौर में यह मानवता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। ये जी, मैं यही जो सवाल है मैं प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी से भी करूंगी कि रूस ने अनाज सप्लाई की डील तोड़कर ये जो हंगामा खड़ा किया है, निश्चित तौर पर क्योंकि यूएन की पहले भी हम रिपोर्ट्स को जब देखते हैं भविष्य की चिंता जताते हुए कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी का जो एक कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा और ऊपर से इस डील का तोड़ना, आप इसे किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की भूमिका देखेंगे इस युद्ध में तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव भूमिका नजर आएगी। जब रशिया फूड सप्लाई बंद करने की बात करता है तब वो बोलते हैं, उससे पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो खबरें आती हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जहां पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिल के रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं तब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाखों लोग वहां पे मारे जा रहे हैं, भूख से मरेंगे वो अभी चालू होने वाला है, लेकिन जो सीधे सीधे मारे जा रहे हैं हर रोज उनके बारे में वो नहीं बोल रहे हैं। तो जब वो यूनाइटेड नेशन एक सिलेक्टिव तरीके से काम करेगा तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और दुनिया के तमाम सारे देश उस पर विश्वास करना बंद कर देंगे। रही बात रूस ने जो अनाज बंद किया, जैसे सर ने बताया कि ये एक स्ट्रेटजी होती है, युद्ध में सब कुछ जायज है, वो अपना युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करेंगे और इसके लिए लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा, इसमें कोई तक नहीं। अगर आप भारत के संदर्भ तो धीरे धीरे हमारा अनाज का प्रोडक्शन कम हो रहा है और जो केमिकल फार्मिंग है वो अपनी सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है। तो रशिया जो कर रहा है वो एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था कि ये होगा नहीं होगा, ये पहले से पता था कि रशिया ऐसा कदम उठाएगा ही
एक बार पहले भी वो ऐसी बातें कर चुका था हाँ। और उन्होंने कई बार लोगों को चेताया। इसके साथ साथ में जो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा है और रशिया का भी बड़ा हिस्सा, वहां पे गेहूं की बिजाई ही नहीं हुई है। अगर बिजाई नहीं हुई है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा और उससे भी एक नया संकट सामने आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। युद्ध के बीचों बीच कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि भुखमरी के समय भोजन को हथियार बना रहा है रशिया और ये सही नहीं है? देखिए, सही बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर से वही बात कहेंगे कि युद्ध में सब कुछ जायज है और युद्ध जीतने के लिए अगर वो इंसानों को डायरेक्ट मार सकते हैं तो वो भूख से भी मार सकते हैं। तो डायरेक्ट मारने से तो सीधा ही मर जाएंगे लोग, लेकिन भुखमरी से धीरे धीरे मरेंगे, महंगाई से मरेंगे। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक बहुत बड़ी आबादी, 10% से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया में ऐसी है जो भुखमरी का शिकार है। भारत में भी अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखें तो 107 नंबर पे पहुंच गया, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। और 30-40% जनसंख्या हमेशा ऐसी रहती है जो महंगाई का एक स्टॉक या बीमारी के एक छोटे से दबाव मिलने के बाद में वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है। हाँ। तो ये महंगाई निश्चित तौर पे लोगों के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। अमीर देश अपने लिए अनाज जुटा लेंगे, लेकिन जो मिडल ईस्ट है, अमेरिका है, सब ये अपने अफ्रीकन नेशंस हैं, इनके लिए बहुत मुश्किलें आने वाली है। ब्रह्मदीप जी, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगी, क्या लगता है कि डिप्लोमेटिकली रशिया ने जो ये मास्टर स्ट्रोक चला है भुखमरी के समय, कहीं ना कहीं भोजन को हथियार बनाने की उसने कोशिश की है? देखिए किची, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद दुनिया के सामने एक चुनौती थी कि खासकर जो पिछड़े और गरीब देश है उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, वहां के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए जिससे दुनिया में गृह युद्ध की समाप्ति हो, दुनिया में गरीबी की समाप्ति हो, दुनिया में बेरोजगारी की समाप्ति हो, लोगों को रोटी मिले और दुनिया में खुशहाली आए। तो दरअसल जो रूस की ये भोजन को हथियार बनाने की नीति है, इसने संयुक्त राष्ट्र के उन आदर्शों पर प्रहार किया है जिससे दुनिया में एक प्रकार का गृह युद्ध छिड़ सकता है। आप देखिए अफगानिस्तान में भूख के कारण जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बेच रहे हैं। आप लाइबेरिया देख लीजिए, रवांडा देख लीजिए, होंडुरास देख लीजिए, आप नाइजीरिया से लगे हुए इलाके देख लीजिए, आप दक्षिणी सूडान को देखिए, सूडान को देखिए, ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, खासकर जो एशिया और अफ्रीकी देश है, लेटिन अमेरिकी देश है, वहां पर रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर अनाज का संकट यदि खड़ा हो गया तो फिर लोग देखिए, लोगों को ब्रेड चाहिए, ब्रेड कहाँ से मिलता है? ब्रेड अनाज से बनता है। okay. तो जब आप ब्रेड को रोक रहे हैं, रोटी को रोक रहे हैं, अनाज को रोक रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया में हिंसा बढ़ने लगेगी, दुनिया में महंगाई बढ़ने लगेगी। हमने अभी श्रीलंका को बर्बाद होते होते वो बचा है, अभी एक साल श्रीलंका में बीत गया, ऐसा लगता है सामान्य, लेकिन वहां पर सामान्य नहीं है, वहां के जो युवा है, अधिकांश जो युवा है वो विदेशों में भाग रहे हैं। तो यूरोप जो है वो कितने लोगों का भार संभालेगा? और यूरोप के सिवा न तो एशिया के देश अपने जो दरवाजे हैं वो गरीब देशों के लिए खोलने को तैयार है, और अफ्रीकी देश तो यूं ही बर्बाद है, अधिकांश देश बर्बाद है, तो ये लोग जानेंगे कहां? और ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ब्रह्मदीप जी, जैसा हम प्रोग्राम के बिगनिंग में भी यही बात कर रहे थे कि अभी इस फैसले के बाद जिस तरीके से रशिया हटा है इस डील से, ये चिंताजनक है। और इस वक्त यूएन के साथ साथ जितने भी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज हैं वो अभी रशिया को लेकर, रशिया के इस फैसले को लेकर चिंता जता रही हैं। यूएन की तो कोशिश भी है कि उसे किसी तरीके से मनाया जाए ताकि वो बैक ऑफ ना करें, इसके साथ दोबारा जुड़े। मैं समझना चाहती हूं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि इस डील से रशिया जो है वो पीछे हट चुका है, लेकिन बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता है कि ये जो फैसला है वो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगी कि आप इस पर विस्तार से हमें बताएं कि जब हम खाद्य कीमतों की भी बात करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है।
ब्लैक सी ग्रेन डील क्यों मायने रखता है? क्योंकि जो समझौता था रशिया यूक्रेन के बीच में वो अब ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में दुनिया को अनाज संपन्न और गरीब देशों के साथ एक हंगर गेम्स की स्थिति में ये जो फैसला है वो संकट में जो है उसे डाल सकता है। इसे समझने के लिए आज दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। ब्रेक पर जाने की बात को एक बार फिर से दोहराऊंगी। ब्रह्मदीप जी, सवाल वो आपसे मैंने किया था कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा समझौता जो अब ब्रेक हो चुका है, लेकिन जब हम ग्लोबल फूड सप्लाई चेन की बात करते हैं, खाद्य कीमतों की बात करते हैं, तो क्यों ये इतना मायने रखता है, प्लीज इसे समझाएं। देखिए, जो अनाज होता है या जो अनाज की वैरायटी होती है वो मौसम पर, मिट्टी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है जी। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, तकरीबन 4 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की जो मिट्टी है, वहां का जो मौसम है, वो दुनिया के 40 करोड़ लोगों के लिए अनाज को उत्पन्न करवाता है। और वो जो अनाज है न केवल जो मात्रा में ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। और यूरोप जो है, यूरोप में तो उसको एक खाद की टोकरी कहा जाता है, मतलब यूक्रेन यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात यह है कि जो काला सागर है, काला सागर से रूस भी लगा हुआ है, काला सागर से यूक्रेन भी लगा हुआ है। काला सागर के तकरीब आगे जाते हैं तो वहां से तुर्क भी पास में। यही कारण है कि जब पिछले साल जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो संयुक्त राष्ट्र ने जो गुटेरेस है, उन्होंने महासचिव संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने जो डील की थी इस युद्ध से कम वो जो काला सागर से जो जहाज गुजरते हैं, जो 3-4 बंदरगाह यूक्रेन के, तो वो उस पर रूस कम से कम हमला नहीं कर। इसके कारण उस डील को इस्तांबुल में किया गया, उसमें तुर्की को शामिल किया गया और यूक्रेन और रशिया उसमें शामिल थे। अब देखिए, आप सोचिए कि दुनिया के 40 करोड़ लोगों तक जो गेहूं है या जो अनाज है वो उपलब्ध होना सुनिश्चित होना, मतलब ये बहुत बड़ी डील थी। और तत्कालीन समय में युद्ध शुरू होते से जो संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि दुनिया को बड़े मानवीय संकट से बचाया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कुछ देश है वो तो 100% जो अनाज है वो यूक्रेन से ही खरीदते हैं। तो मतलब 100% कोई राष्ट्र भी 100% अनाज यदि यूक्रेन से खरीदेगा और यूक्रेन से आने वाले गेहूं को रोक दिया जाए तो आप समझिए उस देश का क्या होगा। और यही हाल है कि यदि काला सागर से यूक्रेन का जो गेहूं है वो नहीं गुजरा, जो दुनिया भर के देशों में जाता है, जो अफ्रीका के देशों में जाता है, देखिये जो विकसित राष्ट्र है वो तो कुछ दिनों तक झेल भी पाएंगे, लेकिन जो गरीब देश है, जो पिछड़े हुए देश है, जो से जूझते हुए देश है, उन देशों में यदि अनाज नहीं पहुंचा तो जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, बहुत दिलचस्प बात बता रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, तो आप सोचिए कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो कैसे काम करेगा यदि आप अनाज ही नहीं पैदा करेंगे, यदि अनाज ही चाहूंगा अनाज आप पहुंचा ही नहीं पाएंगे। और मुझे यह लगता है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को, इस संकट की को महसूस किया था। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने मोटे अनाज की बात कही थी, मोटा अनाज मतलब जिसमें ज्वार आता है, जिसमें बाजरा आता है, तो ऐसे मोटे अनाज की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए बात कही थी क्योंकि यदि दुनिया के सामने अनाज का संकट उत्पन्न होगा, गरीब देशों को बचाएंगे कैसे। इसलिए दुनिया में आबादी है जो भूखमरी से शिकार नहीं हो, उस आबादी को बचाने के लिए ये काला सागर का जो समझौता था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इसका खत्म होना, रूस ने भले से भोजन हथियार की तरह बनाया है, लेकिन दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि ग्लोबल फूड सप्लाई चेन की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर विनोद चौधरी जी उस पर आप अपना टेक दीजिएगा, लेकिन भारत के संदर्भ में भी ब्रह्मदीप जी ने बात रखी है क्योंकि यहाँ पर भारत की जब बात करते तो एक कृषि प्रधान देश रहा है और अब भी है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जब हम गेहूं की बात करते हैं और अन्य फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसकी जो उत्पादन है वो यहाँ पर अच्छे से होता है, भारत गेहूं का भी निर्यात करता है। ऐसे में भारत में इस संधि के टूटने का क्या लगता है आपको, कोई असर नजर आता है? और साथ में ब्रह्मदीप जी ने अभी जो बात की है मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप अपना टेक दीजिएगा। देखिए, अगर आप इस पूरे संकट के
देखेंगे अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें अमेरिका की एक बड़ी भूमिका नजर आएगी। और जो युद्ध है इतना लंबा नहीं खिंचता अगर अमेरिका नाटो फोर्सेस और यूरोपियन यूनियन हथियार सप्लाई लगातार नहीं करते होते और ये एक अच्छा शांति समझौता प्रपोज कर सकते थे यूक्रेन और रशिया के बीच में और इसमें यूक्रेन का भी फायदा था और अभी लाखों करोड़ों लोगों को मारने के बाद भी समझौता शांति का ही होना है। तो आप एक पूरे के पूरे देश को अपने हथियार बेचने के लिए अपनी मार्केट को सजाने के लिए अगर आप बर्बाद कर देते हैं उसका बलि का बकरा बना देते हैं तो ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक डिसीजन था जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो कि एक कॉमेडियन भी है और ये कॉमेडियन का जो उन्होंने डिसीजन लिया उसकी वजह से यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो गया है। रशिया का कुछ कितना बिगड़ेगा वो अलग बात है। आपको पता है कि सामने एक बहुत बड़ा पहलवान है और आप इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे चाहे आप उधार के हथियार जितनी देर मंगवा लें नहीं टिक पाएंगे। तो फिर आप फिर भी अगर उससे लड़ाई करते हैं तो ये एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा। दूसरी बात रही अनाज की और जिस तरीके से भारत का अनाज विदेशों में जा रहा है तो लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा भारत ने पिछले साल बनाया है खासकर गेहूं और बाकी अनाजों के निर्यात करके और इसमें किसानों की एक अहम भूमिका है। लगभग 2100 बिलियन से ज्यादा जो पैसे हैं भारत ने कमाए हैं डॉलर कमाए हैं तो किसानों की भूमिका इसमें बड़ी अहम है। आपने देखा कि पिछले 2 साल पहले किसानों ने कितना एक लंबा एजिटेशन किया भारत में और वो भी एक तरीके से वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक फार्मूला था कि भारतीय किसानों को किसी ना किसी तरीके से काबू में किया जाए। लेकिन अभी अहम रोल उनका सामने आ रहा है कि उनका जो उगाया हुआ अनाज है उससे दुनिया का भी पेट भर रहा है और भारत में भी बड़ी संख्या इसके लिए इंतजार कर रही है कि हमें पीडीएस के माध्यम से या एफसीआई के गोडाउन के माध्यम से हमें ये अनाज मिले। और अभी मैं डेटा देख रहा था जिसमें बताया गया कि 30 लाख टन सरकार ने ओपन मार्केट में एफसीआई या दूसरे गोदामों से ओपन मार्केट में गेहूं बेचा ताकि भारत में इन्फ्लेशन ना हो ज्यादा महंगाई गेहूं की ना हो। उसके बावजूद गेहूं महंगा हो रहा है और जो एमएसपी पे जो गेहूं बिकना था किसानों ने नहीं बेचा क्योंकि उन्हें ओपन मार्केट में ज्यादा भाव मिल रहे थे क्योंकि ओपन मार्केट से खरीद कर स्टोरियों ने उस गेहूं को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा। तो भारत की सरकार को चाहिए कि गेहूं को अच्छे से पीडीएस सिस्टम के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो वो भी ध्यान रखे, एफसीआई के गोडाउन में भी एक अच्छा खासा स्टॉक रखना जरूरी है क्योंकि हम भारत से निर्यात जब करते हैं तो उसके बदले में हमारे भी 20 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, मैलनरिशमेंट के शिकार हो रहे हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसका एक धोटक। इसके साथ साथ मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा कि जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो लगातार अभी एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। उसमें येलो रस्ट नाम की बीमारी जो हीट स्ट्रोक से आती है वो भी आ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे जो वीट का प्रोडक्शन है वो सैचुरेशन पे पहुंच चुका है और ज्यादा केमिकल डालेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है और जो क्लाइमेट है वो अभी साथ नहीं दे रहा है। अभी देखा आपने पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, हरियाणा में बाढ़ आया हुआ है तो हो सकता है कि जब गेहूं की सोइंग का टाइम आए तब तक भी हम जो हमारा खेती है उसको सामान्य ना कर पाए। इसके साथ बिल्कुल इस बीच में दर्शकों को बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने अभी बीते गुरुवार को भी एक सरकारी नोटिस में ये कहा था कि गैर बासमती सफेद चावल के जो निर्यात है उस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसका असर भी हम फिलहाल दुनिया के कई देशों में फिलहाल अभी देख सकते हैं। लेकिन जहां तक बात आज ब्लैक सी ग्रेन डील की जब आती है हम ये समझना चाहते हैं कि एक जो कॉरिडोर बना हुआ है फूड सप्लाई चेन का उस कॉरिडोर में यदि रशिया ना हो तो क्या वो कॉरिडोर ऑपरेट नहीं हो सकता? ग्लोबल फूड सप्लाई चेन जो एक कॉरिडोर बना हुआ है ब्रह्मदीप जी यहां पर उस कॉरिडोर को एक धक्का जरूर लगा है क्योंकि रशिया ने बैकआउट किया है। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहती हूं कि यदि यूक्रेन की फसलें कम हो गई हैं तो क्या कॉरिडोर की आवश्यकता अभी है? और बात जब कॉरिडोर की आती है यदि रशिया ने बैकआउट भी किया है तो फिर ऐसे में समझना आपसे चाहते हैं कि क्या रशिया के बगैर ये जो पूरा कॉरिडोर है फूड सप्लाई चेन का, ग्लोबल फूड सप्लाई चेन का, क्या वो ऑपरेट नहीं हो सकता है? देखिए
ये जी बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, खासकर जो सामान्य दर्शक उनका समझना बहुत जरूरी है। देखिए दुनिया में जो महाशक्तियां हैं वो महाशक्तियां इसलिए क्योंकि उनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत जबरदस्त है। आप चाहे अमेरिका को ले ले या रशिया को ले ले, और रूस के बिना काला सागर की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात है कि यूक्रेन के जैसे क्रीमिया जैसे इलाके हैं उन इलाकों पर जब कब्जा कर लिया हो तो फिर तो इतना ज्यादा प्रभाव है कि काला सागर पर रूस का यदि रूस चाहे तो यूक्रेन के जहाजों को निकलने ही नहीं दे। इसलिए रूस के बिना उस कॉरिडोर की बिल्कुल कल्पना नहीं हो सकती। और यही कारण है कि रूस ने जैसे हाथ खींचा तो वह जो समझौता था उसे रद्द करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो जब आप किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें खर्च कितना आता है और उसको कैसे आप किस रास्ते से पहुंचाते हैं। तो आप देखिए दुनिया भर में आप यदि हवाई जहाज से अनाज को पहुंचाएंगे तो उसके जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। हवाई जहाज से अनाज को पहुंचाना मतलब बहुत महंगा हो सकता है, रोड के रास्ते पहुंचाना तो और ज्यादा महंगा हो सकता है क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव जो है तो सामान्य जो देश है वो नहीं कर सकते। अब ऐसे जो अभी तक व्यापार व्यवसाय करने का जो सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है, सबसे पुख्ता माध्यम माना जाता है और सबसे सुगम माध्यम माना जाता है वो जल के मार्ग से माना जाता है। और यही कारण है कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार है वो समुद्र रास्तों के तरीके के रास्तों में होता है। क्या कारण है कि जो चाइना है वो दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार दिखाता है, क्या कारण है कि प्रशांत महासागर में अमेरिका अपने आप को मजबूत करना चाहता है, क्या कारण है दुनिया में जब तक जो ब्रिटेन था ब्रिटेन की नौसेना मजबूत थी तब तक कहते हैं कि उनके शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो जो समुद्र में सबसे ज्यादा मजबूत होगा वो ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा। तो फिर ऐसे में मुझे ये भी समझना है, हम रशिया की बात यानी कि उसके बगैर जो कॉरिडोर ऑपरेट नहीं हो सकता, लेकिन जब बात मैं यूक्रेन की करती हूँ, क्या यूक्रेन यूरोपियन संघ की मदद से अधिक अनाज जो है उसका निर्यात नहीं कर सकता? नहीं, देखिए फिर मैं एक बात कहूंगा, आप देखिएगा कि किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियां जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है अनाज उत्पादन के लिए। जो यूक्रेन है, यूक्रेन बेशक देखिए यूक्रेन को अनाज उत्पन्न तो यूक्रेन को करना पड़ेगा, जैसे भारत है, भारत ने चावल निर्यात पर जैसे प्रतिबंध लगाने की बात करी तो दुनिया कहां पर दौड़ी, पाकिस्तान की ओर दौड़ी या दूसरे देशों की ओर दौड़ी, लेकिन वो भारत की भरपाई नहीं कर सकते। वैसे ही अभी फिलहाल भारत की भरपाई, वैसे ही चाहे यूक्रेन यूरोपियन संघ की खूब मदद ले ले, लेकिन उसके बावजूद उसको यदि अनाज को दुनिया में पहुंचाना है तो काला सागर जो है वही उसका एक रास्ता है। और काला सागर में जहाज जो है तभी पार हो पाएंगे जबकि रूस चाहेगा, क्योंकि रूस देखिए जो समझौता इसीलिए तो हुआ था कि यदि अनाज के जहाज लेकर गए यूक्रेन के तो कहीं रूस उस पर हमला नहीं कर दे। और अब रूस ने समझौते से हाथ खींच के सुनिश्चित कर दिया है कि वो हमला करेगा। इसी ओडिसे जो अभी उसने वहां पर जो ओडिसे बंदरगाह है उसको निशाना भी बनाने की कोशिश की है रूस ने। तो जो रूस है, रूस किसी भी हालात तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है इस युद्ध में। और उसने भूखमरी जो अभी अनाज को उसका संकट पैदा करने का जो काम किया है वो दुनिया में इससे दबाव बनाने के लिए काम किया है कि दुनिया जो है अमेरिका पर यूरोपियन संघ पर दबाव डाले कि आप रूस पर से प्रतिबंधों को हटा दें। और इस प्रकार से रूस ने यह एक माइंड गेम खेला है। चाइना का जिक्र आपने यहाँ पर ब्रह्मदीप जी किया है, मैं ये सवाल जो है प्रोफेसर विनोद चौधरी से जी से करूंगी। देखिए सर, चीन यहाँ पर जानता है कि अभी फिलहाल हंगर गेम्स जो है वो जल्द शुरू हो ही चुका है और इसका फायदा जो है वो चीन जरूर उठाएगा। ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि बाजार को प्रभावित किए बिना अब अनाज वो ऐसे अनाज को प्रतिबंधित करेगा, उसका आयात जो है वो करना शुरू कर देगा। चाइना का जो रोल है इस हंगर गेम में जो शुरू हो चुका है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है रेल कॉरिडोर का, जो पूरा यूरोप तक जाएगा चाइना से और पाकिस्तान से होता हुआ भी। और ये एक बहुत लंबा रेल कॉरिडोर था और ये एक वेल थॉट उन्होंने प्रोग्राम बहुत पहले बना लिया था जी। तो वो हो सकता है कि अपने यहाँ पे होर्डिंग करना चालू कर दें, स्टॉक करना चालू कर दें। और जो चाइना है वो भी अच्छा खासा अनाज पैदा करता है, लेकिन एक्सपोर्ट जो गेहूं का है वो फ्रांस, कनाडा, ब्राजील और यही भारत
ये सब देश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो गरीब देशों पे पड़ेगा, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज पे। okay. और जो आपने बात किया कि क्या हम किसी दूसरे तरीके से जो यूक्रेन है ये एक्सपोर्ट कर सकता है, वो कर सकता है। okay. लेकिन वो वायबल नहीं है, महंगा इतना हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अनाज की कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में ज्यादातर लोग खरीद नहीं पाएंगे और फिर से वही जो सिचुएशन है वो दोबारा से बन जाएगी कि आपके पास अनाज तो है लेकिन खरीदने के पैसे नहीं है। तो अगर आप तो पूरी दुनिया का अगर देखें एक्सपीरियंस, तो आपको समझ में आएगा कि लड़ाई या युद्ध किसी भी सिचुएशन में किसी भी मुद्दे का हल नहीं होते हैं। जब तक शांति समझौते नहीं होंगे तब तक जो स्थिति है वो सामान्य नहीं होनी है। भारत भी इस स्थिति में नहीं होगा आने वाले टाइम में कि बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात कर पाए, और यूक्रेन और रशिया में भी अनाज की बुवाई नहीं हो रही है, अभी बिजाई नहीं होगी तो फिर कटाई भी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो आस पड़ोस के देश हैं वहां पे भी जो बमबारी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी मैं यूरोप के भी खबरें पढ़ रहा था कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर पा रहे थे, वो अनइवन वेदर कंडीशन और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के असर के कारण पैदावार नहीं दिखा पाएंगे दादा। तो ये आप मान के चलिए कि महंगाई बढ़ेगी, भुखमरी का इंडेक्स पूरी दुनिया में बढ़ेगा, और जो यमन का हालात हुआ वैसा हालात बहुत सारे देशों में हो सकता है। और जिस तरीके से सर ने जिक्र किया श्रीलंका का, हाँ। वो एक ऐसी सिचुएशन में भी बहुत सारे देश जा सकते हैं जिसमें सरकारें कलप कर जाए या एक तरीके से वो अपना पीले बाट कर दें कि हमारे बस में नहीं है इस सिचुएशन को सुधारना। इस सिचुएशन से बचने का एक ही तरीका है कि यूनाइटेड नेशन एक्टिव भूमिका निभाए और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को सीधा सीधा समझाए कि ये लड़ाई से करोड़ों लोगों की जान जाएगी, भुखमरी से मरेंगे। डायरेक्ट वो तो हो ही रहा है, बिल्कुल वो हो ही रहा है सर, काफी नुकसान देखिए हो चुका है, दोनों देशों का ही हुआ है, और यूएन सिर्फ अभी तक अपील कर रहा है, और अभी इस मामले में भी फिलहाल यूएन ने रूस को मनाने की भरपूर कोशिश की है। समय यहाँ पर मेरे पास कम है ब्रह्मदीप जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगी। माना जा रहा है कि रूस इस जो उसने बैक ये किया है, बैक ऑफ किया है इस कहें पूरे फैसले से, क्या लगता है आपको, क्या वो अपना फैसला बदल सकता है, जिस तरीके से अपील भी की जा रही है उसे मनाने की, क्या लगता है ऐसा हो सकता है फ्यूचर में? ठीक है जी, बिल्कुल रूस को अपना फैसला बदलने को मजबूर होना पड़ सकता है। okay. वो इसलिए भी क्योंकि जो रूस के रणनीतिक हित है वो अफ्रीका में भी एशिया में भी है, और रूस की जो हरकत है इससे वो देश नाराज हो सकते हैं जो गरीब है और जो रूस की मदद करते आ रहे हैं, क्योंकि जो विचारधारा साम्यवादी विचारधारा की गिरफ्त में बहुत सारे देश हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रूस पर दबाव बढ़ेगा, और रूस पर दबाव यूरोपियन संघ का बढ़े उतना प्रभावी नहीं होगा जितने उन गरीब देशों का होगा जो रूस की रणनीतिक मदद करते रहे हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में खाद्यान्न संकट को दूर करने में मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल, हमारा भी ऐसा मानना है कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन बढ़ती भुखमरी के समय भोजन को जिस तरीके से उन्होंने हथियार बनाया, आशा यही करते कि सद्भावना जो है वो बनी रहे दुनिया में, और ये बहुत जरूरी भी है। वॉर से कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, और किसी तरीके से यूक्रेन के महत्वपूर्ण निर्यात को जारी रखने की एक अनुमति जो है वो दी जानी चाहिए ताकि दुनिया में इस तरीके का जो संकट है वो ना पनपे। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, ब्रह्मदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर विनोद चौधरी जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। आज का ये सबजेक्ट जो कहें फूड सिक्योरिटी को लेकर था, एक ग्लोबल फूड सप्लाई चेन को लेकर था, वो एक फैसले पर टिका हुआ था, जो फैसला 17 जुलाई को धराशाही हो गया, ब्रेक हो गया, और उसके बाद सिर्फ एक ही चर्चा है कि अभी तक तो सिर्फ रिपोर्ट्स ही आती थी यूएन की ओर से, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद इसका जो एक इंडेलिबल मार्क है वो पूरी दुनिया में पड़ेगा, खासकर फूड सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके की शंकाएं पहले बनी रहती थी वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर धरातल पर देखने को मिलेगा। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं हमें मेल जरूर कीजिएगा, info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आपकी ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत, स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।